बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स लेक्चर नंबर 65 है जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है या नहीं ये देखा था, तो करता है। अब उसका टाइम पीरियड देखेंगे सिंपल पेंडुलम का। हम जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल क्या था, 2π/ω। हमेशा प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल का ही सहारा लेंगे सब के अंदर, सिंपल पेंडुलम में भी। तो हम जानते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल की क्या होती थी, एक्सेलेरेशन होती है -ω²x। और अभी की एक्सेलेरेशन क्या है सिंपल पेंडुलम की, -g/L(x)। कंपेयर करवा लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा g/L। रूट लूँगा तो ओमेगा हो जाएगा √g/L। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूँगा √g/L, पलटेंगे तो हो जाएगा L/g। तो ये टाइम पीरियड आ गया। और टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल पेंडुलम का डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम पर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √ लेंथ ऑफ पेंडुलम, √ लेंथ। और फ्रीक्वेंसी होता है 1/ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड था 2π/L/g, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2π g/L। तो ये ओमेगा आ गया, ओमेगा बोलो फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ पेंडुलम के और √ से है। अब एनर्जी इन SHM, ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सेक्शन सी में आ सकता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, तो ये डायग्राम भी बनानी होगी। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और अगर हम बीच की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, लेकिन दोनों इंस्टेंटेनियस होंगी। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज अटैच बाय एन इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है, उसको हमने स्प्रिंग से लगा दिया जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k है। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है x नॉट एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा था ना, x नॉट होता है और डिस्प्लेसमेंट x होता है। ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी मेन पोजीशन पर, और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी एक्सट्रीम पोजीशन पर। जो डायग्राम है वहीं से हम ये सारी बातें लिख रहे हैं। और सम ऑफ इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी डिस्प्लेसमेंट एक्स पर, किसी भी डिस्प्लेसमेंट एक्स पर। अब हमें शो करना है कि एनर्जी जो सिस्टम की है वो कंजर्व रहती है, यानी चेंज नहीं होती। हम एनर्जी निकालेंगे मेन पोजीशन पर, एनर्जी निकालेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पर, और एनर्जी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्स पर। तो पहले हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होता है ½mv². अब यहाँ पर मैक्सिमम है तो वी नॉट कर दिया। हम जानते हैं वी नॉट किसके बराबर होता है, √ K/m। हमने इसी जगह रख दिया √ K/m, स्क्वायर से रूट कर गया और एक्स स्क्वायर हो गया, m से m कट गया, √ 2 K आ गया। अब इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो √ 2 mv² होगा। इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी हमने क्या निकाली हुई थी, √ K/m 1 − x²/x0। ये हमने यहाँ फार्मूला पुट किया, स्क्वायर दोनों को दिया तो रूट कट जाएंगे, √ 2 हो जाएगा, m से m कट जाएगा, √ 2 आ गया। दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो √ 1 बन जाए √ और √ 2 से √ 2 कर √ 2 हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होगा, वर्क होता है f.dd होता है x के बराबर, तो fx आ जाएगा। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, फोर्स विल बी द एवरेज फोर्स ऑफ मीन डिस्प्लेसमेंट एट द फोर्स एट मीन पोजीशन f1 एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x f2, दैट द एवरेज फोर्स विल बी, एवरेज फोर्स इसके बराबर होगी f1 + f2/2। f होता है kx के बराबर, तो kx1 + kx2/2 हो जाएगी। kx1 तो ज़ीरो है क्योंकि मीन पोजीशन पर, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, तो x ज़ीरो हो गया, तो kx2/2 और x2 के बराबर है, तो ½ kx हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में तो ½ kx आ गया, kx मिल के kx² हो गया। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इक्वेशन 3 ये शो कर रहा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी ½ kx²। अब टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है √ 2 kx²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये दोनों चीज़ें तो काइनेटिक एनर्जी में थी, और पोटेंशियल एनर्जी था √ 2 kx², √ 2 kx कट गया, √ 2 kx² हो गया। तो इक्वेशन ABC,
इक्वेशन ए के अंदर क्या था जनाब, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। बी में क्या था, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। सी में भी क्या है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो क्या बात पता चली, टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है, मेन पोजीशन ले लें, एक्सट्रीम पोजीशन ले लें, या डिस्प्लेसमेंट एक्स पर ले लें, तीनों इक्वेशन में एनर्जी सेम आ रही है। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है।